जहां शाम के अंदर ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी चरण के ऊपर है और दोनों ममालिक के दरमियान हालात मजीद अबतर से बदतर होते हुए जा रहे हैं और ये अंदिया दिया जा रहा है कि दोनों ममालिक किसी भी वक्त जंग में कूद सकते हैं, वहीं अमेरिका को एक और बड़ा धचका लग चुका है। अमेरिका की फौज के ऊपर एक बार फिर बहुत ही भयानक हमला हुआ है। ये हमला इराक के अंदर हुआ है। अगर दोस्तों आप इस रिपोर्ट को जानना चाहते हैं तो काइंडली हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं। आप अपनी स्क्रीन पर रिपोर्ट देखिए जो शहर न्यूज ने जारी की है। इराक अमेरिकी फौजी काफले पर बड़ा हमला। इराक में अमेरिका के एक फौजी कानवाय पर शदीद हमला हुआ है। न्यूज एजेंसी सार्फीन के मुताबिक यह हमला इराक के सूबा बाबल में किया गया है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी फौजी काफले को बारूदी सुरंग से निशाना बनाया गया है। अमेरिकी काफले को पहुंचने वाली जानी और माली नुकसानात के बारे में कोई इत्तलात या तफसीलात सामने नहीं आई हैं। याद रहे कि इराकी आवाम और इस्तकामती महाज से वाबस्ता ग्रोहों ने बगदाद से मुतालबा किया है कि पार्लियामान में मंजूर शुदा बिल पर अमल दरामद करते हुए अमरीकी अफवाज को इराक से बाहर किया जाए और इनको उखाड़ कर इनके मुल्क के अंदर फेंका जाए। काबिले जिक्र है कि जनवरी सन 2020 में अमरीकी दहशतगर्द फौजियों ने सिपा कद्दूस के कमांडर जनरल हाज कासम सुलेमानी और नायब सरबरा अबू महदी को बगदाद एयरपोर्ट के करीब शहीद कर दिया था, जिसके बाद इराकी पार्लियामान ने अमरीकी फौजियों के फौरी अखराज पर मबनी बिल को मंजूर किया था। ताहम अमरीकी दहशतगर्दों की गासब बहाना मौजूदगी बरकरार रहने के बाद इराक के मुख्तलिफ इलाकों में इनके खिलाफ हमलों में शिद्दत आ गई है। दोस्तों चंद दिनों में अमरीकी फौजी काफलों को इराक में रोड किनारे बिछाए गए बम्बों का निशाना बनाए जाने के वाकयात में तेजी आ गई है। अमेरिका ने ऐलान किया है कि उसने अपने सारे फौजियों को इराक से निकाल लिया है, जबकि अभी भी उसके 2500 फौजी मुख्तलिफ कानवाय से अब भी इराक में मौजूद हैं। इराकी हुकूमत ने दिसंबर 2018 में एक कानून पास किया था जिसके तहत सारी अमरीकी अफवाज को इराक से निकल जाने का हुक्म दिया गया था, लेकिन अमरीकी अफवाज मुख्तलिफ हालिया बहानों से अभी तक इराक में मौजूद है। माहरीन का इस बात पर इत्तफाक है कि अमरीकी अफवाज दहशतगर्दों की हमायत कर रही है ताकि वो दहशतगर्दाना कार्रवाइयां अंजाम देते रहें और अमरीकी अफवाज को इराक में रहने का जवाब मिलता रहे। अब देखिए दोस्तों, अमेरिका के ऊपर उस वक्त हमले हो रहे हैं जब अमेरिका बुरी तरह से यूक्रेन जंग में फंसा हुआ है और फिर इनके ऊपर सीरिया के अंदर हमले हो रहे हैं। वो हमले ईरान वाले करवा रहे हैं और अब इनके ऊपर हमले इराक के अंदर भी शुरू हो गए हैं। अभी तक ये नहीं बताया गया कि ये हमला अमेरिकी फोर्सेस के ऊपर किसने किया है।